सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक ट्रक द्वारा एक शख्स को ठोकर मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद फरार हो रहे ट्रक को लोगों ने पीछा कर पकड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा अलौली थाना की पुलिस पदाधिकारियों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि इस पूरी घटना का लोगों ने वीडियो बनाया है। घटना अलौली थाना क्षेत्र के चरौआ गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने पैदल चल रहे युवक को रौंद दिया, जिससे शरीर के दो टुकड़े हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि खगड़िया जिला के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बा इचरौआ पंचायत के मोरकाही में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मोरकाही गांव के समीप अलौली खगड़िया मुख्य सड़क पर यह हादसा इतना जबरदस्त था कि मृतक का शरीर सड़क पर ही दो टुकड़ों में बट गया। घटना मंगलवार की सुबह 5 बजे करीब की बताई जा रही है। मृतक की पहचान संजौती गांव निवासी नुकुल सिंह के रूप में किया गया है। बताया जा रहा है कि नुकुल अपने ससुराल इचरौआ आया हुआ था, तभी ट्रक ने उसे रौंद दिया। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। यही गाड़ी है जो एक्सीडेंट किया हुआ है, VR10GA 6074। ये अलौली थाना का थानेदार है जिसने गाली दिया है युवा को। वीडियो पहले बना रहे थे तो गाली यही थाना दर है, यही थाना दर है। अभी देखिए यही गाली दिया है अभी, और बार बार धमकी देते हैं, मर्डर कर दिया, कुछ नहीं होगा, रोड जाम करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं हो पाएगा। ये रूल है, यही कानून है। ऐसे भी बिहार बदनाम है और ये बदनाम करके और रखे हुए हैं। चले हे चल 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 चलो ना काम करो, चल 5,00,000 रुपया प्रशासन देगा। चलो रे करो जाम जाके। हे जीतू सर, थैंक यू। हाँ शाबाश शाबाश।